मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कान्हा की नगरी मथुरा में कहा कि मैं प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूं और प्रभु से सुख समृद्धि की कामना करता हूं। प्रभु से कामना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दें कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन मंगलमय हो और आप सभी मिलकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए तैयार हो सकें। प्रदेशवासियों को श्री 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 कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से यही कामना करता हूं सुख और समृद्धि, उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बरसता रहे। दो दिवसीय दौरे पर मथुरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर की वाटिका में एक पेड़ लगाया और गर्भगृह से लेकर अन्य सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की। उन्होंने राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की आरती उतारकर पूजा अर्चना की एवं ठाकुर जी का पंचामृत से महाभिषेक किया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पावन धरा पर पूर्ण अवतार लेकर धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का कार्य किया। जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने, जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं। प्रभु से कामना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और आप सभी मिलकर के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना जो सब कुछ अच्छा हो सकता है और सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए तैयार हो सके। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता दी जो संजीवनी है, उसमें जीवन का सार छिपा हुआ है। श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर सभी देशवासियों को चलना होगा, सभी को मिलकर विकसित भारत की परिकल्पना में अपना योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते हजारों श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में होल्डिंग एरिया में रोका गया। सीएम रविवार शाम को मथुरा आए थे। 1037 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया था।